नमस्कार। ये वीडियो मैंने खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने नेशनल मेगा माइंड शो के ऑनलाइन शो को रजिस्टर किया है। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूं उन चीजों को अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया तो 3 दिन का ये नेशनल मेगा माइंड शो आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन करने में बहुत ही हेल्पफुल ये 3 दिन का नेशनल मेगा शो होने वाला है। अगर तो आप इस नेशनल मेगा माइंड शो को फिजिकली अटेंड करते तो उसकी बात ही कुछ और थी, क्योंकि इन 3 दिनों में एक ऐसी एनर्जी जनरेट होने वाली है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी के समान होगी। और इस स्पिरिचुअल एनर्जी में बैठकर अगर हम नॉलेज को ग्रहण करते हैं तो वो नॉलेज हमारे लिए या फिर वो एक्टिविटी हमारे लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होती थी। लेकिन घबराइए नहीं, अगर आप किसी वजह से फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं और आप इस प्रोग्राम को ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं तो मेरी कुछ बताई हुई चीजों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप अपने माइंड को कमांड दे दीजिए कि आप इस प्रोग्राम को जैसे फिजिकली ही अटेंड कर रहे हैं 10, 11, 12 तारीख को आप अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर दीजिए। आपको कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई काम नहीं करना है। 10, 11, 12 तारीख को आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना है, एक ऐसा कमरा जहां पर आपको इंटरनेट कनेक्शन बहुत बढ़िया मिले। सुबह 6 बजे आपने उठ जाना है और नहा धोकर जॉगिंग ट्रैक में आपने 6:45 को अपने कंप्यूटर के आगे या फिर अपने मोबाइल के आगे आकर बैठ जाना है। 6:45 से लेकर 9 बजे तक मेडिटेशन एक्टिविटी होगी। 9 बजे के बाद 15 मिनट तक आपने अपने मोबाइल को देखना नहीं है, आपने किसी से बात नहीं करनी है और आपने किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना है। 15 मिनट का आपको गैप देना है, जीरो में रहना है, शांत रहना है। और उसके बाद आपको ब्रेक मिल जाएगी 11 बजे तक। 11 बजे तक आपकी ब्रेक रहेगी जहां पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन, मॉर्निंग मेडिटेशन से पहले आपने ब्रेकफास्ट नहीं करना है, आपका ब्रेकफास्ट जो है ब्रेकफास्ट टाइम में ही आपने करना है। 11:15 बजे स्पीकर्स का राउंड शुरू हो जाएगा जहां पर स्पीकर्स आएंगे और 50 मिनट तक अपनी स्पीच देंगे, और उसके बाद में 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा स्पीकर्स के साथ में, और उसके बाद में 15 से 20 मिनट का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन राउंड होगा। और ये क्रिया शाम को 7:45 तक चलेगी और 7:45 के बाद में 15 से 20 मिनट का एक ग्रैटिट्यूड राउंड होगा जहां पर हम आप लोगों को ग्रैटिट्यूड एनर्जी जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। इस क्रिया में आपने बताना है, कुछ लोगों को हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे जहां पर वो बताएंगे कि इस पूरे दिन में ऐसी कौन सी चीज उन्हें मिली है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इसके बाद में हम नेशनल एंथम करेंगे और नेशनल एंथम के बाद में एक डिनर ब्रेक होगा और ठीक 9:45 को हम फिर से 9:45 को आपको फिर से अपने कंप्यूटर या मोबाइल के सामने आके बैठ जाना है। और यहाँ पर अब हम स्पिरिचुअल डांस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि 11 बजे तक चलने वाली है। ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल डांस खत्म हो जाने के बाद 15 मिनट तक आपने अपने मोबाइल में नहीं देखना है, किसी से कम्युनिकेट नहीं करना है, किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना है, और उसके बाद आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। सीधा अपने कमरे में जाकर आपने सो जाना है और फिर सुबह 6 बजे उठकर जैसा कि पहले दिन की एक्टिविटी रही वैसे ही अगली एक्टिविटी के लिए तैयार रहना है। 10, 11, 12 3 दिन हमारा ये सेशन होने वाला है। 10 तारीख को हमारा प्रोग्राम दोपहर 3 बजे चालू होगा और 3 बजे के बाद की जो एक्टिविटी है वो होगी। 11 तारीख को सुबह 6 बजे हमारा प्रोग्राम 6:45 को प्रोग्राम शुरू होगा और 12 तारीख को भी सुबह 6:45 को ये प्रोग्राम शुरू होगा। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे ये सारी क्रियाएं होने वाली हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पूरे प्रोग्राम को आपने एक ऐसे माइंडसेट से देखना है जैसे कि आप ये सारे प्रोग्राम के नॉलेज को बहुत सारे लोगों तक बांटने वाले हैं, यानी कि गुरु की नजर से, एक लीडर की नजर से
एक गुरु की नजर से आपने इस 3 दिन के प्रोग्राम को देखना है, और अगर आप इस तरीके से इस प्रोग्राम को देखते हैं कि मुझे इस नॉलेज को बांटना है, तो आप मैक्सिमम इस प्रोग्राम से लेके जा पाएंगे। दूसरी चीज, इस पूरे 3 दिन के प्रोग्राम में आपने अपना 100% पार्टिसिपेशन करना है, यू नो, फिर चाहे वो मॉर्निंग मेडिटेशन हो, या फिर स्पीकर्स के साथ में क्वेश्चन आंसर राउंड हो, या फिर शाम को ग्रैटिट्यूड एनर्जी जनरेट करने का काम हो, या फिर वो स्पिरिचुअल डांस हो, आपने हर चीज में, हर एक्टिविटी में अपना 100% अपना 100% पार्टिसिपेशन देना। एक चीज ध्यान रहे कि आप जो है इस प्रोग्राम को ऑफिस में बैठे बैठे अटेंड मत करना, यू नो, या फिर किसी काम को, अपने 4 कामों को सर में लेकर इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करना, या फिर रास्ते में चलते चलते या गाड़ी में बैठकर इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करना, या फिर अपने परिवार वालों के बीच में बैठकर, यू नो, इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करना। शांति से एक बंद कमरे में बैठकर ही इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड करना, नहीं तो यू नो, ये जो 3 दिन का प्रोग्राम होने वाला है, इसमें इतना सारा जो नॉलेज मिलने वाला है, आप इसे वेस्ट कर देंगे। ये पूरा का पूरा नॉलेज वेस्ट हो जाएगा, आप इसका कुछ भी बेनिफिट, सही माहौल में अगर बैठकर इसे नहीं देखेंगे तो इसका कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर आप इस प्रोग्राम को जो मेरे बताए हुए तरीके से इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, तो मैं यकीन से कहता हूं कि 2022 में आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं। देखिए, इस प्रोग्राम से आपको क्या सीखने मिलने वाला है, उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, विजुअलाइजेशन को सही तरीके से कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। HNI कस्टमर से, HNI लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करके उनसे बिजनेस कैसे लिया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बिजनेस की स्ट्रेटजीज और आइडियाज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा कठिन परिस्थितियों को, अच्छी परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कुदरती शक्तियां क्या है, कुछ नई कुदरती शक्तियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और फोकस्ड, किसी एक काम में फोकस्ड कैसे रहा जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, आप इस प्रोग्राम को, इस 3 दिन के प्रोग्राम को मेरे बताए हुए तरीके से, अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को अटेंड कर सके, इसके लिए मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूं। और इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी आपके मन में प्रश्न है, कुछ भी सवाल है, तो आप हमें संपर्क कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।